दोस्तों आप सभी को बता दे कि दोस्तों इस समय आपके लव लाइफ में एक ऐसा युग बन रहे हैं कि दोस्तों एक महिला जो कि अचानक से उनसे मुलाकात होगा और संबंध बनने वाले हैं। जी दोस्तों, इस नाम की महिला से अचानक मिलन होगा और संबंध बनेगा। आप सभी बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं। तो इस आपके जीवन काल में जो योग बन रहे हैं, इस योग के बारे में बताने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके जीवन काल के लिए अत्यंत ही लाभदायक होने वाले हैं। जैसे ही दोस्तों आपके ऊपर इस महिला की नज़र पड़ने वाले हैं, या खुद आपसे बातचीत करने वाले हैं, या दोस्तों आपके प्यार में पूरी तरह से समना है और यह कहीं दूर की नहीं होने वाली, बताएंगे कि आखिरकार आप दोस्तों इनको कैसे जान पाएंगे, जो कि दोस्तों इस समय आपको शारीरिक सुख देने वाले। क्या इनके करीब जाना आपके लिए दोस्तों लाभदायक रहेगा? यह महिला कहीं आप कहानी तो नहीं पहुंचाएंगे? क्या आपको इन्हें अपने जीवन काल में जोड़ना चाहिए? क्या इनसे प्यार आपको करना चाहिए? बताएंगे सब वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं ही महत्वपूर्ण, बड़े ही सटीक आपके जीवन काल से जुड़ी रहने वाले हैं। स्पष्ट रसे बताएंगे कि आखिर का यह जो महिला है, इनसे आपका मिलन कब होने वाले, कैसे होने वाले और साथ ही कहां पर होने वाले हैं, और इनके नाम का पहला अक्षर भी हम आपको बता ही देंगे, ताकि दोस्तों आप आसानी से पहचान कर ले जो महिला इस समय आपको अचानक मिलेगा और इनसे दोस्तों शारीरिक सुख प्राप्त होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सबसे पहले लिख दे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में पहले हम आपको बता देते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए यह समय कैसा रहेगा और फिर इस औरत के बारे में भी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण कार्य में सोच समझकर फैसला ले, विरोधी पक्ष के समझ अपनी गुप्त नीतियों का खुलासा ना होने दे, सामाजिक क्रियाकलापों के प्रति रुचि बढ़ेगा, घर परिवार में मांगलिक व धार्मिक कार्य होने की योग बनेंगे, व्यवसाय के क्षेत्र में व्यक्तियों को योजनाबद्ध रूप से कार्य करने की सफलता प्राप्त हो, आयात निर्यात के क्षेत्र में संलग्न व्यक्तियों को लाभ होगा, सरकार क्षेत्र में कार्यरत लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगा, अपने सहयोगियों से किसी भी बात को लेकर अधिक तालमेल बनाने की आवश्यकता रहेगा, राजनीति में आपके महत्वपूर्ण भाषण की सराहना होगा, कान संबंधित कोई रोग गंभीर रूप से ले सकते हैं, स्वास्थ्य के संबंध में चिंता बढ़ सकते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दे, अनुशासित दिनचर्या के प्रति सचेत रहे, किसी भी प्रकार के तनाव मुक्त होने की कोशिश करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा कष्ट काक भी हो सकते हैं। खाने पीने की वस्तुओं में अधिक संयम रखें। मानसिक तनाव से बचने के लिए अपने कार्यों में पूरी तरह से व्यस्त रहे। तो आइए दोस्तों, अब इसी के साथ हम आपको बताते हैं कि आखिरकार दोस्तों इस समय किस औरत से आपका अचानक से मुलाकात होगा और शारीरिक सुख मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और यह जो औरत है आपको कहाँ पर प्राप्त होने वाली, कैसे इनकी पहचान आप करने वाले, तो इन बातों को आप समझे तभी आप इस औरत की पहचान करने वाले हैं, जो कि इस समय आपके जीवन काल में आएंगे, जिनसे आपका शारीरिक संबंध इस समय बनने के योग्य है, जिनसे आपकी मुलाकात अचानक से होगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि औरत आपके करीब आने की पूरी कोशिश करेगी, आपको देखकर पैदा हो चुकी है। जी दोस्तों, यह औरत आपकी अपने किसी आसपास के गांव या किसी रिश्तेदार के यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी इस महिला से आपका मिलन हो सकता है, और दोस्तों जब यह आपको देखेगी तो तुरंत ही आपसे बातचीत करना चाहेंगी या फिर आपको छुप छुप कर देखने की प्रयास करेंगे। जी हाँ दो दोस्तों, अगर आपका नजर कहीं और है तो उस समय यह आपको देखने के प्रयास करेंगे, और जैसे ही आपकी नज़र उनके ऊपर पड़ेंगे तो यह अपनी नजरें चुरा सकते हैं या अपनी नजरें आपसे हटा लेंगे और कहीं
और देखने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह आपकी तरफ करीब आकर आपसे बातचीत करना चाहेंगे और हंसी मजाक भी कर सकते हैं। हालांकि आपसे ज्यादा देर तक बातें या नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ देर तक बातें करेंगे तो बातचीत के दौरान आपको पता लग जाएगा कि यह औरत अचानक से आपको प्यार करने लगी है। साथ ही दोस्तों, मान लीजिए अगर आप दोस्तों इनसे बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत करते करते जब यह आपसे दूर होंगे, जब भी आपसे बातचीत करके दूर जा रहे होंगे, तो पीछे मुड़कर आपको देख भी सकते हैं। और मान लीजिए कि दोस्तों अगर आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं इस समय और वहाँ 2-4 दिन रुकते हैं या फिर 1-2 दिन रुकते हैं, तो आपसे यह रोज रोज बातचीत करने के लिए पास में आएंगे या फिर आपको देखे बिना नहीं रहेगी, या फिर आपकी अपने आस पड़ोसी गांव में अगर मिलेंगे जहाँ पर आपका आना जाना लगा रहता है, तो वहाँ पर भी दोस्तों यह महिला आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगी और आपका इंतजार में रहेंगे कि कब आप इनके यहाँ आएंगे। और जैसे ही एक नज़र आपके ऊपर इनका पड़ेगा तो यह आपके करीब आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस महिला की जान पहचान आपके अंदर थोड़ी सी होगी, आप इन्हें थोड़ी बहुत जानते होंगे, पहचानते होंगे, लेकिन दोस्तों आप जो है पूरी तरह से जान पहचान इस महिला के साथ बढ़ने वाले हैं और यह आपको शारीरिक सुख भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें इनके नाम का पहला अक्षर की, तो दोस्तों इनके नाम का पहला अक्षर DMSLPG। दोस्तों यह 5 अक्षर में से कोई भी एक अक्षर इनके नाम की शुरुआत हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इन संकेतों से दोस्तों आप इस सड़क की पहचान कर सकते हैं जो कि इस समय आपके जीवन काल में मिल सकते हैं अचानक से और शारीरिक सुख आपको देने वाले हैं। जी दोस्तों, इसी समय आपको 1-2 दिन के भी 3 दिन के बतर प्राप्त हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह सारी जानकारी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें कि दोस्तों इस समय आप सभी राशि के कुछ जातकों के जीवन काल में ऐसा हो रहा है कि दोस्तों आपकी जिंदगी में जो भी अच्छी तरह से जुड़ते हैं आपसे घर मिल जाते हैं जल्दी, चाहे दोस्त हो, आपके पड़ोसी वो रिश्तेदार हो जिनके साथ में आपका रिश्ता बहुत ही अत्यधिक गहरा होता है, वही दोस्तों आपको छोड़कर जा रहे हैं, वही दोस्तों आपकी वैल्यू ना करके आपसे दूर हो रहे हैं। जी हाँ, जिन्हें आप बहुत ही अधिक चाहते हैं, लेकिन इनसे आप परेशान हो जा रहे हैं, या आखिरकार आप जिसे भी अपनाते हैं वह आपका साथ क्यों छोड़ जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे वह किसी भी आपके कार्य क्षेत्र में हो या फिर किसी भी क्षेत्र में आप किसी को दोस्त बनाने की प्रयास करते तो वह कुछ दिनों के लिए होते हैं और फिर उनके साथ में आपका रिश्ता पूरी तरह से टूट जाता है। धीरे धीरे रिश्ते में दरारें आने लगते हैं। हर क्षेत्र में ऐसा हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति आपका विशेष व्यक्ति बनकर नहीं रहते, आपसे दूर हो जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इनसे परेशान हैं कि आखिरकार इस समय आपके जीवन काल से हर कोई दूर क्यों जा रहे हैं जिसे आप अपनाते हैं दिल से, जिसे अपना खास मानते, वही आपसे नाता तोड़ रहे, आपको साथ नहीं दे रहे। जी दोस्तों, तो इनसे आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर हर कोई आपका साथ इस समय छोड़ रहा है तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। जी हाँ, आपको इसकी वजह से दुख हो रहा है तो फिर आप इसमें करें क्या दोस्तों, अपने दुख को डोट भी अपना ले, क्योंकि दोस्तों आप जिस भी व्यक्ति को अपनाई थी वह आपसे दूर हो चुके हिस्से में, अगर आप अपने दुख को भी अपना लेंगे तो आपके दुख भी आपसे दूर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे कि मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, मैं जिसको भी अपनाता हूँ वह मुझको छोड़ जाता है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए बोला, आज से अपने दुखों को भी अपना लो, फिर वह भी तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। तो इस समय दोस्तों अगर आपके जीवन काल में कुछ मुश्किल परिस्थितियां आ रही हैं, दुख की सामना करना रहा है, तो उसे आप दिल से अपना ले, क्योंकि दोस्तों आप जिस व्यक्ति को दिल से अपनाते हैं वह आपसे दूर हो सकते हैं, तो ऐसे में आपका दुख भी क्यों नहीं दूर होगा जब आप उसे अपना लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आए होंगी, महत्वपूर्ण लगा होगा। अगर लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों सावन का महीना शुरू हो चुका है, सभी महादेव को प्रसन्न करने
आपके लिए कई तरह की दोस्तों पूजा करते हैं, कई तरह के उपाय करते हैं। हर कोई चाहता है कि भोलेनाथ जी उसकी पूजा से, उसकी भक्ति से प्रसन्न हो जाए, परंतु जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे ना चाहते हुए भी बाबा भोलेनाथ हमसे प्रसन्न होने की बजाय हमसे रुष्ट हो जाते हैं, हमारे ऊपर क्रोधित हो जाते हैं। कुछ नियम कुछ काय बहुत जरूरी है। इस पूरे सावन महीने जो आपको बहुत ज्यादा इनका पालन करना जरूरी है, अन्यथा जो भी आप कर रहे हैं उसका दुष्परिणाम आपको मिल जाएगा। लाख आप व्रत कर रहे हैं, लाख पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन आपने इस सावन के महीने में भूल से भी यह एक चीज किसी और को दे दी तो आपके घर की बरकत किसी और के घर चली जा, आपके घर की खुशियाँ किसी और घर चली जाएंगी। आइए अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्यों क्योंकि जो हुआ सो हुआ। अब यह जो सावन का महीना है, इस महीने को डोट हम आपके लिए बहुत ही खास बनाने वाले हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी महादेव की कृपा से वंचित रहे इस पूरे महीने। इस पूरे महीने महादेव की ऐसी कृपा आपके ऊपर रहे कि जन्मों जन्म तक आपको किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। आइए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। बोलिए ओम नमः शिवाय। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि सावन का महीना भगवान शिव जी की पूजा के लिए बहुत ही खास महीना है। यह महीना शिव जी की पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सावन के कई ऐसे टोटके होते हैं जिनको करने से आप अपनी सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, जन्मों जन्म की पैसों की तंगी से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन कुछ गलतियां हम अनजाने में कर देते हैं। हम क्या करते हैं हमको पता ही नहीं होता और हम वह चीज कर देते हैं, हमको तो कोई खबर ही नहीं, हमने तो वह का कर दिया, फिर बाद में पता चला तो क्या हो जाएगा, पछतावा मिलेगा। इससे पहले आप यह वीडियो अंत तक देखना, वास्तु के अनुसार दोस्तों जानकार मानते हैं कि घर की रसोई घर जो होता है उसमें वास्तु में बेहद अहम भूमिका होती है। जो रसोई घर होता है उसकी बहुत अहम भूमिका होती है। ऐसे घर की किस्मत किचन से काफी हद तक जुड़ी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में भी साफ साफ कहा गया है कि जब कुछ भी दान करो, जब कुछ भी आप दान करो या किसी की मदद करो तो थोड़ी सी सावधानी बरते। आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको भूलकर भी किसी और को नहीं देना चाहिए, वरना ऐसा कर से आपके घर की सुख समृद्धि छिन सकती है और आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल ध्यान से सुनना कि कौन सी चीज है। पहली चीज है दोस्तों हल्दी। आयुर्वेद में हल्दी के आपको कई सारे गुण बताए गए हैं। एंटी एलर्जिक के तौर पर भी ली जाता है। हिंदू धर्म में हल्दी को बहुत शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में हल्दी को गुरुवार से जोड़कर देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि हल्दी का दान कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपके आस पड़ोस में किसी को हल्दी की जरूरत पड़ गई, आपके घर पर आए बोले कि हल्दी चाहिए, तो दोस्तों हाथ जोड़कर माफी मांग लीजिएगा, परंतु दीजिएगा मत, वरना घर परिवार का दोष तो गुरु दोष लग जाता है। भोलेनाथ की कृपा भी नहीं रहती फिर और घर की तरक्की होती होती रुक जाती है। इसकी वजह से प्रोफेशन लाइफ में कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज है दोस्तों नमक। नमक क्या करता है, हमारे घर की सारी सकारात्मक ऊर्जाओं का भंडार होता है। नमक नमक बहुत ही खास चीज होती है दोस्तों। घर की बरकत, घर की सुख सुविधा, घर की समृद्धि नमक के अंदर संचय होती है। अगर आप अपने घर का नमक किसी और को देते हैं तो उससे आपके घर की समृद्धि सुख बरकत किसी और के पास चली जाएगी। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, किसी को भी दोस्तों नमक तो दीजिएगा ही मत। अब पूजा करने जा रहे हो, किसी को चावल की जरूरत पड़ गई, शिवलिंग पर चावल चढ़ाने, भोलेनाथ जी को चावल चढ़ाने, तो आपसे किसी ने चावल मांग लिए तो हाथ जोड़ लेना, कहना कि माफ करिएगा मैं नहीं दे सकती, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानकार कहते हैं कि चावल का जो संबंध शुक्र ग्रह से है, अगर घर में चावल की कमी होती है तो घर और परिवार को शुक्र दोष झेलना पड़ता है। साथ ही जो पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले चावल अक्षत वह भी दोस्तों विशेष महत्व के होते हैं।
क्योंकि उनमें दोस्तों आपकी बरकत, आपके घर की दोस्तों आए, घर की दोस्त जो अन्नपूर्णा है उसमें होती है। आप भोलेनाथ जी को चढ़ा रहे हो, लेकिन कोई और आपके पास से वह चावल लेकर भोलेनाथ को शिवलिंग पर चढ़ा रहा है, तो दोस्तों आप अपने घर की बरकत किसी और के हाथ में दे रहे हो। इससे परिवार के बीच नकारा आता आ सकती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसलिए चावल किसी को ना दे। अगली चीज है दोस्तों, सरसों का तेल किसी को भी नहीं देना है, ना ही दान करना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सरसों के तेल का जो संबंध है शनि ग्रह से है। कोशिश करें कि घर की रसोई में तेल का डिब्बा कभी खाली ना रहे, ना ही किसी और तेल का। जरूरी नहीं कि हर किसी घर में सरसों का तेल इस्तेमाल हो। होता है किसी के मूंगफली का होता है, किसी के दोस्तों दूसरे ब्रांड का होता है, किसी की दूसरी चीज का होता है, किसी की सोयाबीन का होता है। तेल दोस्तों तेल होता है, चाहे कौन सा भी हो। तेल कभी भी दोस्तों किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्षण का जो संबंध है वह तेल से होता है। अगर आप किसी को दे रहे हो तो आप अपने घर का जो मजबूत शनि है वह दोस्तों किसी और को दे रहे हो। साथ ही यह सब चीजें दोस्तों आप पर भी लागू होती है कि मान लो आपके घर में हल्दी खत्म हो गई, तेल खत्म हो गया, नमक खत्म हो गया, यह सब चीजें खत्म हो गई। आपने क्या करा, आपके पड़ोसी के घर में गए, वहाँ से आपने नमक मांग लिया, तेल मांग लिया, कुछ भी मांग लिया। तो उसके घर में अगर कोई भी परेशानी है तो वह आपके घर में वास करने लग जाएगी। अगर आप यह चीजें वहाँ से ले आते हो तो, क्योंकि यह चीजें दोस्तों एक दूसरे के घर की जो तो सुख समृद्धि बरकत सभी को कंट्रोल करती है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना। वही अगर आपको धनवान बहुत जल्दी बनना है, बहुत जल्दी आपको धनवान बनना है, तो आप एक उपाय करिए, किसी बड़े धनवान के घर का नमक ले लीजिए। किसी भी बड़े घर के धनवान पहले तो वह नमक देगा, अगर समझदार होगा तो देगा ही नहीं, लेकिन बाय चांस अगर आपको वहाँ से नमक मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से नमक लीजिए और आपके यहाँ जो नमक है उसमें मिला लीजिए। और कोशिश करें उस नमक को कभी भी खत्म मत होने दे, बचा कर रखें। नमक से नमक भरते रहे और हमेशा चलाते रहे। आप देखेंगे कि आपके घर में भी धीरे धीरे बरकत आना शुरू हो जाएगी। तो यह एक टोटका है, इसको आप अवश्य कर सकते हैं। यह सावन का महीना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ उपाय बताते हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में पैसों की बहुत तंगी है तो आप सावन के महीने में शमी के पेड़ की जो जड़ होती है उसमें क्या करना है, जो ध्यान से सुनना है कि जो शमी के पेड़ की जड़ है भोलेनाथ जी पर आपको चढ़ाने हैं। इसके बाद उस जड़ को अपनी तिजोरी में रख लेना है। शमी के पेड़ शिव जी को बहुत प्रिय है, ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में चल रहा धन संकट खत्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का जो धन संकट खत्म हो तो आप शमी के पेड़ की जड़ को शिवलिंग पर चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद वहां पर बैठे अच्छे से पूजा पाठ करें, फिर उस जड़ को अपने घर की तिजोरी में रख दें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके घर में बरकत शुरू होना चालू हो जाएगी। बहुत ही अचूक उपाय है, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपको बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र, अतिशीघ्र दोस्तों परिणाम मिलेंगे। और जब भी पूजा करो तो डमरू का इस्तेमाल करो, क्योंकि डमरू की ध्वनि से भोलेनाथ तक आपकी पुकार बहुत जल्दी जाएगी। दोस्तों करीब 19 सालों के बाद यह शुभ संयोग बनने जा रहा है। ऐसे में आप महादेव को प्रसन्न करके अपनी जिंदगी में अपार खुशियां, अपार धन दौलत पा सकते हैं। महीने में पूरे 8 सोमवार रहेंगे, परंतु हो जाइए सावधान। सावन माह महीना शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर निकाल दो यह 5 चीजें, वरना भोलेनाथ बाबा आप पर क्रोधित हो जाएंगे। आपकी मनोकामना पूर्ण करना तो दूर आपकी दोस्तों जिंदगी में और मुसीबतें बढ़ जाएंगी। इसीलिए आज के इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिए। देवाधिदेव महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों 19 साल बाद यह शुभ संयोग बना है। यह सावन बेहद खास है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भोलेनाथ जी को सावन के महीने में प्रसन्न करना बहुत आसान होता है। हम पूजा पाठ करके भोलेनाथ जी को नियमानुसार अगर प्रसन्न करें तो भोलेनाथ आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना
पूर्ण करते हैं। परंतु हम जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां करते हैं, जिसके चलते हमको फल नहीं मिलता और भोलेनाथ जी हमारी पुकार भी नहीं सुनते, उल्टा प्रसन्न होना तो दूर हमसे क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन हम तो अनजान रहते हैं, हम तो बेक पर रहते हैं, परंतु हम गलतियां करते रहते हैं। और आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में आपको बताएंगे कि आपको सावन के महीने में क्या नहीं करना है और आपको अपने घर से क्या चीजें बाहर फेंक है। दोस्तों, सबसे पहली चीज है जो सबसे बड़ी चीज है, और वह चीज है आपके मन की शुद्धि। दोस्तों, मन अगर साफ हो तो घर में ही भगवान है, माता पिता में भी भगवान है। अगर मन साफ नहीं है तो दोस्तों चाहे आप मंदिर चले जाओ, चाहे केदारनाथ चले जाओ, चाहे अमरनाथ चले जाओ, अगर आपका मन साफ नहीं है तो भगवान भी आपकी कभी पुकार नहीं सुनेंगे, चाहे आप कितना ही तप कर लो। इसलिए आपका मन साफ होना जरूर है, क्योंकि हम लाख सोचते हैं कि मेरे मन में तो कोई पाप नहीं है, है कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, सभी से प्रेम करता हूँ। परंतु ऐसा नहीं होता है, अक्सर जाने अनजाने में भी हमारे मन में पाप आ ही जाता है, कभी किसी के प्रति तो कभी किसी के प्रति, कभी किसी के प्रति जलन होती है, कभी किसी के प्रति हम छल कपट कर देते हैं, कभी लालच आ जाता है, लालच में कुछ काम कर जाते हैं, जाने अनजाने में किसी के दिल को ठेस पहुँचाते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको अपने मन का छल कपट दूर फेंकना है, नहीं तो भोलेनाथ जी नहीं सुनेंगे। अब दूसरी बात है दोस्तों, आपके घर में जितने भी दोस्तों पुराने फटे हुए कपड़े हैं, या तो उनको बाहर फेंक दे, या तो उनको सही करके काम में ले ले, क्योंकि जो फटे पुराने कपड़े होते हैं वह नकारात्मक ऊर्जा के ग्रह होते हैं। अगर आपके घर में यह चीजें हैं, कूड़ा कचरा है, बहुत ज्यादा कूड़ा कचरा आपके घर में है, बहुत पुरानी वस्तुएं हैं, फर्नीचर पड़े हुए जो काम में नहीं आते, सड़ हुए फर्नीचर है, लोहा भंगार पड़ा हुआ है, तो पहली फुर्सत में उनको बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि यह सभी चीजें नकारात्मक ऊर्जा को घर में दोस्तों लेकर आती है। इससे देवाधिदेव महादेव कभी आपके घर में अपनी कृपा नहीं बरसाए। दूसरी चीज है, तीसरी चीज है, माफ कीजिएगा दोस्तों, आपके घर के मंदिर में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होना चाहिए। कई बार होता है कि हम धूप की चीजें, भगवान से जुड़ी चीज, कई सारी चीजें लेकर आ जाते हैं जो काम में भी नहीं आती है, और वह चीजें सभी मंदिर के किसी खन में आसपास पड़ी रहती है, वहीं पर पड़ी रहती है, और हम उस पर ध्यान भी नहीं देते। तो दोस्तों, आपके अगर वह चीजें काम नहीं आ रही है, वह चीजें सड़ चुकी है, तो सबसे पहले उनको बाहर फेंके और अपने मंदिर की घर का जो मंदिर है उसको स्वच्छ रखे। अब अगले पॉइंट पर बने दोस्तों, आपके घर में टूटे फूटे दोस्तों मिट्टी के बन टूटे फूटे कांच बंद पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह बंद पड़ी हुई चीजें टूटे फूटे बर्तन अपनी और नकारात्मक ऊर्जा दोस्तों खींचते हैं, जिससे आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा होगा वास हो जाता है। इसलिए इन चीजों को अभी घर से बाहर कर दे। और साथ ही इस पूरे महीने लहसुन प्याज का अगर आप सेवन ज्यादा करते हो, तो दोस्तों अगर आप अपने घर में आपके जितने भी दोस्तों तो सदस्य अगर वे भी उपवास कर रहे हैं, तो आपको प्याज और लहसुन अपने घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस घर में आपके मान लीजिए एक सदस्य या सारे सदस्य हैं, या कुछ सदस्य अगर उपवास कर रहे हैं, तो घर में यह सब चीजें होना बहुत गलत माना जाता है। इन तामसिक पदार्थों को घर से बाहर निकालना ही अच्छा है। अगर आप केवल सोमवार व्रत कर रहे हो तो आप घर में रख सकते हो, परंतु ऐसी जगह रखें जो थोड़ा सा कोने में आ जाए, मुख्य रसोई में इन सब चीजों को ना रहने दे। इस बात का भी ध्यान रखिए, दूसरे कमरे में रख दे, जहां पर जाना आना इतना नहीं होता है लोगों का, वहां रख दे, साइड कोने में रख दे। अगर आप घर से बाहर नहीं कर सकते हो तो जितना हो सके भोजन में कम डालने की कोशिश करें, बिना लहसुन प्याज का हो भोजन तो और अच्छी बात है। अब अगली चीज दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है वे अपने पर्स में भी इधर उधर की फोकट की चीजें रखते बिल रखते हैं। पर्स में किसी भी प्रकार के बिल नहीं होने चाहिए, ना ही कोई दोस्तों इधर उधर के कागज अपने पर्स में रखें, क्योंकि यह पूरा महीना महादेव को समर्पित है, और ऐसे में
जब महादेव आपके ऊपर कृपा बरसाएं तब आपकी सबसे पहले पर्स ही भर जाएगी, तो वह पर्स स्वच्छ होनी चाहिए, इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें। अगली चीज है दोस्तों, अपने घर के मंदिर में अगर कोई भी खंडित मूर्ति है, कोई भी फटा हुआ दोस्तों मूर्ति है, कोई भी फटा हुआ दोस्तों भगवान का चित्र है, कोई भी तस्वीर है जो थोड़ी सी भी दोस्तों कहीं से टूटी हुई है, तो उसको तुरंत तुरंत आप लोगों को दोस्तों प्रवाहित कर देना चाहिए जल में। यह चीजें दोस्तों बहुत ही खतरनाक होती है, इससे देवाधिदेव महादेव कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे, ना ही उनकी कृपा आपके घर में प्रवेश करेगी। ऐसे में ध्यान रखें कि आपके घर में किसी प्रकार की खंडित मूर्ति नहीं होनी चाहिए, खंडित तस्वीर नहीं होनी चाहिए, कोई भी खंडित चलचित्र नहीं होना चाहिए। और एक बात का भी विशेष ध्यान रखिए कि बहुत से लोगों की आदत होती है अपने घर में बहुत सारे भगवानों की तस्वीर रखना, तस्वीर लगाना, मूर्तियां रखना, परंतु होता यह है कि समय पर उनकी पूजा पाठ नहीं हो पाती। अगर आपके घर में 20 तस्वीरें हैं, 10 मूर्तियां हैं, और अगर आप उनकी समय पर पूजा पाठ नहीं करते, उनको भोग नहीं लगाते हो, तो कृपा आने की बजाय कृपा जाना शुरू हो जाती है, भगवान से रुष्ट होना शुरू हो जाते हैं। आप अपने घर में इन सभी देवी देवताओं को वास करवा रहे हैं, अपने घर में निवास कर रहे हैं यह सब, और आप उन्हीं को दोस्तों पूजा पाठ नियमानुसार नहीं कर रहे हो, क्योंकि भगवान को तो घर में रखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनकी पूजा पाठ करना बहुत बड़ी बात होती है। हम सोचते हैं कि सुबह शाम अगर बत्ती लगा दी तो हो गया काम, बिल्कुल नहीं। घर में लिमिट में 2-3 भगवान के फोटो लगाएं तो बहुत है। अपने कुल देवी देवता हो, और घर में लक्ष्मी माता होना चाहिए। लक्ष्मी माता का या तो आप सिक्का रखें तो अच्छी बात है, और दोस्तों अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव।